हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में और उसके फायदे के बारे में, कैसे आपको ज्ञान मुद्रा करनी है और उसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। अगर आप अपने नेगेटिविटी थॉट को कम करना चाहते हो तो यह मुद्रा आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, तो आपके लिए यह मुद्रा काफ़ी यूजफुल है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर भी यह मुद्रा काफ़ी यूजफुल है। स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। आपकी याददाश्त शक्ति बहुत कमज़ोर है, आपकी मेमोरी वीक है, तो उसके अंदर भी यह मुद्रा काफ़ी यूजफुल है। तो अब बात करते हैं इसको मुद्रा को करना कैसे। इस मुद्रा को आप कैसे भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो, लेटकर भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इसको आपको कम से कम 15 से 45 मिनट तक आपको करना है। तो सबसे पहले हम कुछ ज़मीन पर कुछ बिछा कर बैठ जाएंगे। आप पद्मासन के अंदर भी यह मुद्रा कर सकते हो और सुखासन के अंदर भी यह मुद्रा कर सकते हो। तो मैं आपको सुखासन के अंदर यह मुद्रा करके बताऊंगा। आपको ज़मीन पे बैठ जाना है और सुखासन पोजीशन में बैठना है। उसके बाद में आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा करने के बाद में आपको दोनों हाथ अपने ऊपर रखना है, घुटने के ऊपर आपका हाथ होगा और आपका जो हाथ की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ आपकी हथेलियाँ होगी। उसके बाद में जब हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और जो हमारा थंब है, थंब को आपको बिल्कुल टच करना है इंडेक्स फिंगर के। उसके बाकी जो उंगलियां होगी बिल्कुल सीधी होगी, हमारी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी होगी और जो हमारा अंगूठा है और इंडेक्स फिंगर है ये दोनों एक दूसरे टच होंगे। उसके बाद में आपको आँख बंद करनी है और आँख बंद करके आपको सांसों पे ध्यान देना है या आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। और आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करना, बिल्कुल हिलाना नहीं है। उसके बाद में आपको बिल्कुल कम्फर्टेबल बैठ जाना है और सांसों